बिसम अल्लाम इस लेक्चर में हम एक क्वेश्चन प्रोबीनियस मेथड को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करेंगे यूज़ मेथड ऑफ टू फाइंड अ सीरीज सॉल्यूशन इन एक्स ऑफ डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिखी और इसमें हम इसके सिंगुलर पॉइंट्स निकालते हैं सिंगुलर पॉइंट्स आपको याद होगा सेकेंड हाईएस्ट ऑर्डर डायरेक्टिव के कॉप्शन को जीरो पुट करते हैं तो हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे डी स्क्र डी एक्स स्क्र है उसका कॉप्शन टू एक्स हमने जीरो पुट किया तो एक्स की वैल्यू जीरो आ गई तो uh, यहाँ पे द गि डिफेंशियल कैन बी रिटर्न एज ये हम डिफेंशल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे आपको याद है फ्रोबीनियस मेथड को प्रोबीनियस मेथड में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है डिफेंशियल की वही इस फॉर्म में लिखते हैं

जो कि रिक्वायरमेंट थी इसकी अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ये आपको याद है में हम ये चेक करते हैं, पहले हम निकालते हैं और फिर ये और करने के बाद ये चीज डिटर्मन करते हैं अगर ये दोनों ही हमारे पास ये दोनों ही लल्ट आ गए हैं तो उसका मतलब सिंगुलर पॉइंट है अब इसका सोलूशन जो है वो जरा देख लेते हैं कि इसका सोल्यूशन हमने क्या सपोज किया हुआ इसका सोलूशन जो है वो हम सपोज करते हैं y इक्वल सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम जीरो टू इनफिनिटी ए एन एक्स रेस्ट पर एन प्लस वन एन प्लस आर सॉरी ये एक्स्ट्रा चीज हम आम सोल्यूशन से जब ऑर्डनरी पॉइंट के आ, के अबाउट डिफेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन मालूम करते हैं तो फिर वो ए एन एक्स रेस्ट पार करते हैं और यहाँ अब चुके हमने सिंगुलर पॉइंट के अबाउट करना है तो यहाँ एक एक्स्ट्रा काम आएगा यही करता मैं आप इस फॉर्म का लेंगे यहाँ आर की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी हुआ करेगी हमें तो चुके ये डिफेंशियल का सोल्यूशन है तो उसको चाहिए कि ये और इसके डायरेक्टर जो हैं ऑरिजनल को सेटिस्फाई कराएं तो हमने इसको डिफरेंशियल जो जो कर दिया कि 2x into y y y था तो तो ये है तो y double dash हो गया और फिर प्लस क्या था y डैश और माइनस y तो y की जगह हमने ये सीरीज लिख जो की है इसके बाद हम हाँ इसका डबल लेते हैं तो y डबल डैश में क्या आएगा पहले n प्लस r आएगा फिर n प्लस r माइनस वन आएगा और उस पे x की पावर n प्लस r माइनस टू हो जाएगी और तो सिंगल डेरिवेटिव में क्या आएगा अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन इसकी करते हैं तो ये x मल्टीप्लाई हुआ जब अंदर आया तो x की पावर एन प्लस एन प्लस एन प्लस आर माइनस वन और ये x की पावर प्लस आर है ये आपके पास आ गया हमने क्या किया है यहाँ से x की पावर आर लदा कर लिया इधर इसमें से यहाँ से भी x की पावर आर लदा कर लिया है यहाँ भी x की पावर आर लदा कर लिया और x की पावर आर जो है अब हम समेशन से बाहर ले जाएंगे क्योंकि जो है वो तो सिर्फ एन के ऊपर अप्लाई हो रही है तो एक्स की पावर आर जो है वो हम बाहर ले गए होल से तो हमारे पास जो है एक्चुअल ये चीज़ जीरो आ गई एक्स की पावर आर तो जीरो नहीं होगी तो ये चीज़ हमारे पास जीरो आ गई जिसमें एक्स की पावर एन माइनस वन है एक्स की पावर एन माइनस वन है दो दो सीरीज में तो एक्स की सेम पावर है एन माइनस वन यहाँ तीसरी में हमारे पास एक्स की पावर एन है तो इसको सेम करने के लिए हम पहले तो इन दोनों को कंबाइन कर लिया हमने दोनों सीरीज एक्स की पावर एन माइनस वन वाली को और इसको लेदर रहने दिया इसके बाद आप देखते हैं कि इसकी थोड़ी सी हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं सिम्पलीफेन करने के बाद अभी तक ये टू एन प्लस टू आर माइनस वन इन टू एन प्लस आर ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन और ये एन एक्स की पावर एन है तो हमने क्या किया है ये जो पहले वाली जो सीरीज़ है इसको जो है फर्स्ट टर्म इसकी खोल लिया है इनकी जगह जीरो पुट करके और फिर इसको स्टार्ट करा दिया फ्रॉम एन इज इक्वल टू वन अब जरा नेक्स्ट स्टेप देखते हैं यहाँ शायद हम एन की जगह एन प्लस वन रिप्लेस कराएं अगर तो फिर ये एक्स की पावर एन बन जाएगा यही काम करना था तो वो देखते हैं कि पहली सीरीज को सिम्प्लीफाई कर लिया और इसको हमने क्या किया एन की जगह एन प्लस वन रिप्लेस करा दिया अब ये वाला वन कट जाएगा इसके साथ और ये समेशन जो है ज़ीरो से स्टार्ट हो जाएगी और एक्स की पावर एन भी आ जाएगी यहाँ पे जैसे एक्स की पावर एन है तो ये आपके पास वही काम हुआ एन अप्रोच फ्राम जीरो आ गया और एक्स की पावर एन बन गई दोनों सीरीज अब दोनों सीरीज में एक सिमिलैरिटी आ गई है कि दोनों सीरीज स्टार्ट हो रही हैं जीरो से और दोनों सीरीज में एक्स की पावर एन है यही हमने करना था अब इसको कंबाइन कर दिया एक्स की पावर एन कॉमन ले लिया और सीरीज स्टार्ट हो रही है जीरो से इनफिनिटी तक कंपेयरिंग कॉप्शन ऑफ एक्सरेस्ट पर माइनस वन ये एक्स रेस्ट पर माइनस वन का और एक्स की पावर एन का ऑप्शन ये है इसको जीरो के बराबर हमने इक्वेट कर दिया तो हमारे पास यहाँ से रिलेशन आई आर इंटू टू आर माइनस वन ए नॉट इज इक्वल टू जीरो और दूसरी आई है एन प्लस, प्लस आर इंटू टू एन प्लस टू आर प्लस एन इज इक्वलो यहाँ से हमारी एक रेफरेंस रिलेशन निकलेगी सिंस नथिंग इज गेन बाई टेकिंग ए नॉट इज इक्वल टू जीरो सो ए नॉट जीरो लेने से तो कोई फायदा कोई नहीं होगा आर की वैल्यू निकलेगी तो आर इंटू टू और माइनस वन ही हम जीरो लेते हैं वहाँ से आर की वैल्यू एक जीरो निकल है और एक वन बाई टू और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपने याद रखनी है जब हमने सोल्यूशन लिखना है तो दो सोल्यूशन हमारे पास आएंगे एक आर इज इक्वल जीरो के लिए और एक आर इज इक्वल टू वन बाई टू के लिए क्योंकि सीरीज सोलूशन जो हमने सपोज किया हुआ है सिगमा वाई इज इक्ल टू सिगमा एन वैल्यूम जीरो तो की पावर एन प्लस आर हमने सपोज किया हुआ है तो ये आर की वैल्यू बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी तो कीप दिस टू वैल्यूज ऑफ आर इन माइंड ओके फ्रॉम सेवन वी गेट द रेकेंस रिलेशन जो सेवन है उसमें हमारे पास रेकोरस रिलेशन ये रहती है इसमें आप आर की टू वैल्यूज हैं बारी बारी पुट करते हैं पहले आर की वैल्यू अगर आपने वन बाई टू पुट की तो रिलेशन टेन बन जाती है आर की वैल्यू वन 2 पुट करके सिंपलीफाई कर लें तो आपके पास ये आ जाती है फिर आर की वैल्यू जीरो इसी में पुट करें नाइन में तो आर की वैल्यू जीरो पुट करने से आपके पास रेक्रेंस रिलेशन 10 आ जाती है 11 आ जाती है अब हम इक्वेशन नंबर जो रिलेशन रिलेशन जो टेन आई है ना यहाँ से ए टू ए थ्री ए फोर की वैल्यूज मालूम करनी शुरू करेंगे तो फ्रॉम टेन वी हैव ए वन की वैल्यू आ गई है ए नॉट ओवर वन फैक्टोरियल इंटू थ्री ए टू की वैल्यू आ गई है ए वन ओवर टू इंटू फाइव और ए वन की वैल्यू वो लगा दें आप जो ऊपर निकाली थी ए नॉट ओवर वन फैक्टोरियल इंटू थ्री तो ये बन जाएगी ए नॉट ओवर टू फैक्टोरियल इंटू थ्री इंटू फाइव इसी तरह ए थ्री की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ ए नॉट आ जाएगी कंटिन्यू करें तो एन की वैल्यू ही आ जाती है अब आप फ्रॉम अलेवन जो सेकेंड रेकोसोलेन है जिसमें आर की वैल्यू आपने जीरो पुट करके मालूम की थी उसमें ए वन की वैल्यू ये आती है ए टू की ये आती है ए थ्री की ये आती, आती है और एन की आती है अब ये जो है इसके क्रस्पाउंडिंग ये वाली जो ए और ए वन वाली की वैल्यूज़ आई हुई हैं अब यहाँ एक इशू बन गया है कि इसमें ये भी ए वन ए टू ए थ्री एन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए नाट आई हुई हैं ये भी सारी की सारी वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ ए नाट आई हैं तो जब हम सोल्यूशन लिखेंगे तो उसमें कॉन्स्टेंट जो है सिर्फ ए ही रह जाएगा ए नॉट जबकि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सोलूशन में कॉन्सटेंट जो है वो दो होते हैं इसलिए हम इसका सोल्यूशन लिखते वक्त ए नॉट अमिट कर देंगे ए नॉट लिखेंगे ही नहीं बाकी ए वन ए टू ए थ्री की बाकी जो वैल्यूज हैं वो सारी लिख देंगे वो इस फॉर्म का सोलूशन आ जाएगा x की पावर वन बाई टू जरूर आएगी क्यों क्योंकि आपके पास याद है कि x की पावर r कॉमन निकल गई हुई है और r यहाँ पे हमारे पास क्या है वन बाई टू बाकी मैंने ए नाट छोड़ दिया इसी तरह यहाँ भी ए नॉट में छोड़ दूंगा और वाई टू एक्स जो है वह दूसरा सोलूशन एक्स पावर जीरो इसलिए आएगी कि आर की दूसरी वैली जीरो है तो ये सीरीज की फॉर्म में सोल्यूशन आ गए दोनों वाई वन एक्स और वाई टू एक्स नेक्स्ट हम चूंकि कॉन्स्टेंट दो हमारे होने जरूरी हैं इसलिए हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा वाईज सी वन वाई वन एक्स प्लस सी टू वाई टू एक्स ये हम अपने पास से आर्बिटरी कॉन्सटेंट सी वन और सी टू लगा देंगे अदरवाइज अगर इनको लिखते constants को, तो ए की कॉन्सटेंट आना ए नॉट इसलिए उनको हमने छोड़ दिया उनको छोड़ के उसके बगैर सोल्यूशन लिखे हैं और उनका लिए कॉम्बिनेशन बनाया है सी वन वाई वन एक्स प्लस सी टू वाई टू एक्स अब वाई वन एक्स की वैल्यू लगा देंस की वैल्यू लगा दें दिस गिवज दीरीज सोलूशन ऑफ द गिड